हेलो बच्चा बाटी, वेलकम टू सी एस अकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 11 का एच बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। इस वाले एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 5 तक, सॉरी 5 नहीं 4 तक करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर एस अग्रवाल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के नाम से मिलेगा। अगर फिर भी कोई समस्या आता है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो इसमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। आपके पास दिया हुआ है 5 नंबर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन बी स्क्वायर बराबर 1, और पॉइंट क्या दिया हुआ, ए सेक थीटा कमा बी टेन थीटा। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम लोग कौन सा 4 नंबर क्वेश्चन करे था, तो 1 बट्टा ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 बट्टा बी स्क्वायर बाहर, वाई स्क्वायर का कितना 2y, और dy अपॉन dx, ठीक है। 1 कांस्टेंट है तो 0, ठीक है। यहाँ देखो माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू 2y, और dy अपॉन dx इधर सही है, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये बोलो माइनस 2x अपॉन कितना a स्क्वायर, ठीक है। ये और ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो dy अपॉन dx फाइनली कितना हो जाएगा, देखो ये बी स्क्वायर इधर से हो जाएगा तो बी स्क्वायर एक्स, और नीचे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, ठीक है। एट कौन सा पॉइंट पे, ए सेक थीटा कॉमा कितना बी टेन थीटा, यही है ना। अब चलो एक्स के जगह पर ए सेक थीटा, वाई के जगह पर बी टेन थीटा पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर से बी स्क्वायर, एक्स के जगह पर ए सेक थीटा अपॉन नीचे में ए स्क्वायर है, और वाई के जगह पर बी टेन थीटा। देखो स्क्वायर से ये कट गया, यहां से ये कट गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना निकला, यहाँ बी सेक थीटा निकला, नीचे में हो जाएगा ए टेन थीटा, ठीक है। अब यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, अरे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस वाई वन बराबर कितना dy अपॉन dx, जिस भी पॉइंट पे निकालते हैं वो, और x माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा कितना x1, और ये हो जाएगा हमारा y1, ठीक है। तो y माइनस वाई वन, वाई वन के जगह पर b tan थीटा लिखेंगे, बोलो हाँ या ना, dy अपॉन dx के जगह पर b sec थीटा अपॉन a tan थीटा, यहाँ लिखेंगे b sec थीटा अपॉन कितना a tan थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन के जगह पर क्या होगा ए sec थीटा, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा ए, यहाँ ध्यान से ए वाई टेन थीटा माइनस इधर से कितना हो जाएगा ए बी टेन स्क्वायर थीटा, क्या किए मल्टीप्लाई किए, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बी एक्स sec थीटा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ए वाई टेन थीटा बिल्कुल सही है, ये एक्स वाले को इधर लाइए तो माइनस कितना हो जाएगा से बी एक्स सेक थीटा, इसको उधर ले जाएंगे तो ए बी प्लस में हो जाएगा कितना टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस ए बी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो माइनस यहाँ कॉमन ले लो तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये हो जाएगा बी एक्स सेक थीटा, और ये वाला माइनस में कितना हो जाएगा ए वाई टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर से माइनस माइनस ए बी कॉमन ले लो तो माइनस ए बी कॉमन लेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना इधर से टेन स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे सर माइनस क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये माइनस माइनस कट गया तो फाइनली बी एक्स इंटू कितना सेक थीटा माइनस ए वाई या टेन थीटा इसको टू कितना ए बी, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, एक आंसर हमारे पास ये होगा, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो यहां देखो यहां लिखेंगे अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बोलो, एन ओ आर एम ए एल, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, वाई माइनस वाई वन बराबर माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें माइनस में जाता है, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। यहाँ देखो वाई माइनस वाई वन कितना, वाई वन हो गया बी टेन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे बी टेन थीटा माइनस वन बट्टा कितना डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे बी सेक थीटा अपॉन कितना ए टेन थीटा, नीचे दिख रहा है
एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना हो गया ए सेक थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां बट्टा पलट जाएगा तो ए टेन थीटा ऊपर, बी सेक थीटा नीचे, तो यहां हो जाएगा फाइनली वाई माइनस कितना बी टेन थीटा इज कॉस टू कितना माइनस ये वाला जो टर्म है ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ए टेन थीटा अपॉन बी सेक थीटा हो जाएगा, ए टेन थीटा अपॉन बी सेक थीटा इंटू कितना एक्स माइनस ए सेक थीटा। सर यहाँ कैसे किए देखो, अरे वन बाय में है, इसको बट्टा पलट देंगे ऊपर चल जाएगा, अरे बोलो हो जाना ठीक है। और बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा ए वाई, सॉरी 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 ए वाई नहीं बी है ना, तो बी वाई सेक थीटा माइनस इधर से हो जाएगा बी स्क्वायर टेन थीटा इंटू सेक थीटा। चलो अब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए एक्स टेन थीटा, माइनस माइनस इधर जाएगा प्लस ए स्क्वायर इंटू कितना सेक थीटा इंटू टेन थीटा, या टेन थीटा इंटू सेक थीटा लिख सकते हैं। एक्स वाले पार्ट को इधर ले आओगे तो ए एक्स टेन थीटा, फिर प्लस बी वाई सेक थीटा को इधर लिखेंगे, बाकी टर्म को उधर ले जाओ। तो यहाँ ऊपर पहले क्या है ए स्क्वायर टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इधर वाला टर्म जैसे ही वैसे ही रहेगा ए एक्स टेन थीटा प्लस कितना यहाँ बी वाई सेक थीटा, ठीक है। कॉमन क्या लेंगे यहाँ पर से, हम कॉमन लेंगे टेन थीटा इंटू कितना सेक थीटा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन क्या देगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एक आंसर हमारे पास ये हो गया, एक आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों सिक्स नंबर क्वेश्चन है वाई बराबर एक्स क्यूब, इसका पॉइंट दिया हुआ है कितना वन कॉमा वन। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ देखो अब डिफरेंशिएशन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एट किस पॉइंट पे वन कॉमा वन पर, तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स और वाई तो नहीं है, एक्स तो है वाई नहीं है, तो वन कॉमा वन यहाँ लिख दीजिए और यहाँ जहाँ x है वहाँ वन पुट कर दिए थ्री, तो वन का स्क्वायर वन तो थ्री इंटू वन, यहाँ कितना हो जाएगा थ्री, ये क्या निकला हमारा dy वाई अपॉन डी एक्स किस पे वन कॉमा वन पे। अब क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की टेंजेंट, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस कितना होता है फॉर्मूला y1 बराबर dy वाई अपॉन डी एक्स जिस भी पॉइंट पे निकलेगा x माइनस एक्स वन, ठीक है। अब देखो ये रहा हमारा x1 और ये रहा हमारा y1, तो y माइनस वाई वन कितना वन, dy वाई अपॉन डी एक्स कितना थ्री, और यहाँ कितना x माइनस एक्स वन, एक्स वन की जगह भी वन, तो y माइनस थ्री इज कॉस टू थ्री एक्स, अब माइनस थ्री थ्री से मल्टीप्लाई कर दिए तो अब यहाँ पर क्या होगा ये और ये कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना हो गया थ्री एक्स, या नहीं तो y माइनस थ्री एक्स इज कॉस टू जीरो, माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला कितना माइनस, तो फाइनली थ्री एक्स माइनस वाई इज कॉस टू जीरो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो, एक बार आंसर मिला लेते हैं इसका, कितना नंबर है सिक्स नंबर, वाई बराबर थ्री एक्स माइनस टू है आंसर इसका, एक मिनट, सिक्स का आंसर तो नहीं मिल रहा, इसमें क्या दिक्कत है, अच्छा आ जाओ dy अपॉन dx, अच्छा एक मिनट गड़बड़ क्या हो गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ये थ्री कटेगा का, यहाँ तो वन है ना जी, यहाँ पर हो जाएगा थ्री, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर माइनस थ्री तो ठीक है, e माइनस वन उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस वन, तो फाइनली यहाँ पर से क्या हो गया थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको सही कर लीजिए, तो ये रहा हमारे पास y बराबर थ्री एक्स माइनस थ्री प्लस वन कितना हो गया माइनस टू, एक आंसर हमारे पास ये हो गया। अब क्या निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बोलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, अरे बच्चा पट्टी साहब सो रहा है पीछे क्या, हाँ बोलो बोलो, y माइनस वाई वन बराबर माइनस वन बाय डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब देखो x1 और y1 का वैल्यू 1 है, माइनस वन बट्टा कितना dy अपॉन ds कितना निकाले हैं 3, तो 3 यहाँ पुट करेंगे
एक्स वन कितना है 1, ठीक है। इस 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3y-3, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई -x+1, 3y तो ठीक है, x को इधर ले आओ तो +x, 1, 3 उधर जाएगा तो +3, 3y+x = कितना 4, ये आंसर हो जाएगा। ये रहा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये रहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो यहाँ पर से इसको आप इधर भी ला सकते हैं, इसके बाद आपके ऊपर मर्जी है, कैसे भी हम स्टेप लिख सकते हैं, इतना आंसर लिख दीजिए काफी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर 4x, पॉइंट है 80 स्क्वायर, कॉमा कितना 280। तो यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन, इसका डिफरेंशिएट तो dy अपॉन dx, 4a कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएट dx अपॉन dx, ठीक है। यहां रहा dy अपॉन dx इक्वल्स टू कितना 4a, ठीक है ना। अब एट कितना पर 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये पॉइंट पर। अब देखो यहाँ dy अपॉन dx तो सही है, यहाँ पर पॉइंट कितना है 80 स्क्वायर, यहाँ पर से 280। अब देखो ये तो 4a ही रह जाएगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये तो x और y का वैल्यू, यहाँ x और y कुछ नहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट पे 4a ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, फॉर्मूला y-y1 = dy/dx (x-x1), ठीक है। ये रहा हमारा x1 और ये हो गया हमारा y1, तो यहाँ कितना होगा y-y1 = 280, dy/dx कितना 4a, x-x1 कितना 80 स्क्वायर, ठीक है। तो y-280 तो ठीक है, अपने जगह माइनस है, यहाँ पर 4a से मल्टीप्लाई तो 4ax - 4a² × t² x को इधर ले आओगे तो -4ax + y, इसको उधर ले जाओ तो 280 - 4a² t², माइनस कॉमन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y-4ax = 280 - 4a² t², यही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ फिर क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अरे बोलो, देखो पीछे वाला बच्चा आपसे जिंदगी सूझ जाएगा, अरे क्लास में सूते थे, देखो देखो ना बैठ के क्या कर रहा है, देखो इधर 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 y-y1 = -1/dy/dx, ठीक है, इंटू कितना x-x1, तो यहाँ y-y1 के जगह पर कितना है 280, यहाँ 280, डीवाई अपॉन डी एस कितना 4a, तो यहाँ 4a लिखेंगे, इंटू x-x1 कितना 80 स्क्वायर, 4a से इधर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4ay - इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8a² t, माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस, इधर हो जाएगा प्लस, x को इधर ले आओगे तो +x, उसके बाद +4ay, इसको उधर ले जाएंगे तो 8a² t और +80 स्क्वायर, ये कैंसर हमारे पास ये हो जाएगा, क्लियर है। अब चाहो तो इसको उधर भी ले जा सकते हो, ऐसे अब टर्म को इधर ले आओ, इधर जीरो भी लिख सकते हो, कैसे भी इसके बाद आंसर हमारे पास हो सकता है, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों 8 नंबर है, y = cot² x - 2 cot x + 2 @x = 5/4, ठीक है। देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए दोनों पॉइंट होना जरूरी है, एक्स और वाई का वैल्यू, तो यहाँ तो सिर्फ एक्स का वैल्यू, तो y को निकालना पड़ेगा, तो y कैसे निकलेगा, देखो इधर जहां जहां x है वहां वहां पहले π/4 पुट कर दो, यहां कितना हो जाएगा y = cot² π/4 - 2 cot π/4 + 2, एक मिनट, cot है या cosec है, हर जगह जी cot ही है, 2 cot x + 2, देखो cot² 1, cot π/1 = 1 square, -2 + 2 = 1 + 2 कट गया तो इधर कितना बचा 1, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास कितना हो जाएगा बोलो, x, y होता है तो पहले कितना π/4 यानी x का वैल्यू, फिर y का वैल्यू। अब आ जाओ यहाँ पर से y = cot² x - 2 cot x + 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx, यहाँ हो जाएगा d cot² है, तो देखो d cot x का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा d cot x
फिर इसको ऊपर ले जाएंगे डी कॉटेक्स, नीचे में डीएक्स, ठीक है। माइनस टू कॉन्स्टेंट है बाहर, डी कॉटेक्स अपॉन डीएक्स, प्लस टू कॉन्स्टेंट है तो जीरो। इसका पहले पावर लिखेंगे, फिर हम यहाँ कॉटेक्स लिखेंगे। कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, टू तो ठीक है, कॉट का कितना माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस टू कॉटेक्स इन टू कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस मिलकर प्लस, टू इधर से कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये रहा हमारा डीवाई अपॉन डीएक्स, ठीक है। अब एट कितना पर कह रहा है, इस वाले पॉइंट पर, तो पाई बट्टा फोर कॉमा वन, तो जहां जहां एक्स है वहां पाई बट्टा फोर, वाई तो है नहीं तो पुट नहीं करेंगे वैल्यू, यहां लिखेंगे डीवाई अपॉन डीएक्स, ठीक है। अब वैल्यू कितना पाई बाय फोर कॉमा वन, तो यहाँ आ जाएगा माइनस टू कॉट पाई बाय फोर इन टू कितना कॉसेक स्क्वायर पाई बट्टा फोर, अब प्लस टू कॉसेक स्क्वायर पाई बट्टा फोर। तो देखो इधर कितना, तो बच्चों देखो अब यहाँ पर से डीवाई अपॉन डीएक्स निकालेंगे, तो यहाँ रहा हमारे पास डीवाई अपॉन डीएक्स, ये डीवाई अपॉन डीएक्स जो भी वैल्यू है पाई बट्टा फोर कॉमा वन पर, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस टू, उसके बाद कॉट पाई बट्टा फोर वन, कितना होता है वन, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है पाई बट्टा फोर, तो पाई बट्टा फोर रूट टू होता है कॉसेक में, रूट टू का स्क्वायर प्लस टू इन टू कितना, यहाँ भी रूट टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस टू इन टू टू प्लस टू इन टू टू, मतलब ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस फोर, तो ये कितना हो जाएगा जीरो, डीवाई अपॉन डीएक्स कितना निकला जीरो। अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये टेंजेंट, पहले टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन बराबर कितना dy अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन, ये रहा हमारा कितना x1, ये रहा y1, तो y1 के जगह पर 1, dy अपॉन डी एक्स तो 0, x माइनस एक्स वन, एक्स वन के जगह पर कितना है पाई अपॉन 4 है, इधर वाला सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये y माइनस वन बराबर 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए ही फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यहाँ देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, बोलो बोलो, वाई माइनस वाई वन बराबर माइनस वन अपॉन डीवाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इन टू एक्स माइनस एक्स वाई वन होता है। अब देखो वाई माइनस वाई वन कितना वन, तो यहाँ लिखेंगे वाई माइनस वन माइनस वन अपॉन डीवाई अपॉन डी एक्स कितना जीरो, तो यहाँ जीरो, एक्स माइनस एक्स वन कितना है पाई बट्टा फोर है एक्स वन, यहाँ लिखेगा पाई अपॉन फोर, इधर जीरो से मल्टीप्लाई कर दो सारा टर्म खत्म, इधर माइनस से तो माइनस एक्स, अब प्लस कितना पाई बट्टा फोर, एक्स को इधर ले आओगे तो एक्स बराबर इधर से पाई बट्टा फोर बचा, ये हमारा आंसर होगा और एक हमारा आंसर। अब यहाँ वाई बराबर वन भी लिख सकते, तो जो मन में आया वो लिख दो आंसर, एकदम नंबर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों नाइन नंबर है, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 144, और यहाँ है 2 कॉमा y1, ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, अब यहाँ जो पॉइंट है 2 कॉमा y1 तो अननोन है, तो एक काम करो, जब ये वाला पॉइंट, ये वाला जो इक्वेशन है इससे पास करेगा तो x के जगह पर कितना 2 और y के जगह पर कितना हो जाएगा y1, यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ लिखो सॉल्यूशन, इससे क्या होगा आपका y1 का वैल्यू निकलेगा, तो 16 into x के जगह पर कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 y के जगह y1 इधर हो जाएगा 144, ठीक है ना। अब यहाँ पर 16 into कितना 4, तो एक ही बार में क्या लिख सकते हैं 64 और प्लस 9 y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 144, यहाँ देखो 9 y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 144 और माइनस कितना 64, तो 9 into y1 का स्क्वायर इधर घटाओगे तो 0 80, तो y1 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 80 और अपॉन 9 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, तो y1 इक्वल्स टू रूट अंडर कितना 80 और अपॉन कितना 9, तो वैल्यू हटाएंगे रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस इसका कितना 4 रूट 5 अपॉन 3, तो y1 बराबर आपके पास हो गया 4 रूट 5 अपॉन कितना 3, ठीक है ना। तो अब फाइनली पॉइंट आपके पास क्या बना, पॉइंट बना क्या x के भाई x का वैल्यू कितना है 2 और y1 का वैल्यू 4 रूट 5 बाई 3,
अब बोलोगे सर माइनस वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाई वन का जो वैल्यू होगा जीरो से बड़ा लेना है, पॉजिटिव लेना है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पर से इस ये जो क्वेश्चन है इसको अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 144, इस तरह का क्वेश्चन किए हैं। देखो डिफरेंस 16 तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 9 ठीक है, वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx, 144 कांस्टेंट है तो जीरो, यहाँ पर कितना होगा 32x प्लस कितना 18y, यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू जीरो। इसको उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना 18y, यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस 32x, तो फाइनली dy अपॉन dx इक्वल टू कितना माइनस 32x और अपॉन कितना 18y, नीचे आ जाएगा। एट किस पॉइंट पे बात कर रहा है, 2.45/3 2.4√5/3, तो जहाँ x है वहाँ क्या देंगे 2, जहाँ y है वहाँ पर 4√5/3 देंगे, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx, इसको ऐसे लिखो आप चाहो नीचे में पॉइंट लिख सकते हो, इंटू एक्स की जगह पर 2 और यहां पर हो जाएगा 18 इंटू कितना 4√5/3, यहां पर कितना हो जाएगा देखो, तो 3 से काट दे 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटो कट जाएगा, यहां 4 से काट दो 8 टाइम में, यहां फाइनली कितना बचा -8 और नीचे बचा कितना यहां पर से 3√5। अब यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या फॉर्मूला, वाई माइनस वाई वन बराबर डीवाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स वन और ये क्या हो जाएगा हमारा वाई वन, ठीक है। अच्छा वाई माइनस वाई वन, तो वाई वन की जगह पर कितना 4√5, तो 4√5/3 इसको टू डीवाई अपॉन डी एक्स, डीवाई अपॉन इसका वैल्यू ये पुट करो माइनस 8 अपॉन कितना 3√5 एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है 2 है, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ हमने अपन एलसीएम लिया 3, तो यहाँ हो जाएगा 3y माइनस 4√5, नीचे में हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा माइनस 8 से मल्टीप्लाई माइनस 8x और प्लस 16 या नीचे में जाएगा 3√5, 3 से 3 कट गया, रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3√5 इंटू वाई माइनस 4√5 कितना होगा 5, तो कितना होगा 20, यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 8x अब प्लस कितना 16, 8 को इधर ले आओ तो 8x अब प्लस कितना 3√5y 3√5y माइनस 20 ये आएगा माइनस 16 इक्वल टू जीरो, तो 8x प्लस 3√5 यहाँ पर माइनस 36 इक्वल टू जीरो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम लिखो यहाँ पर से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ क्या नॉर्मल, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बोलो, y माइनस वाई वन कितना होता है y माइनस वाई वन, तो वाई वन 4√5, देखो डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं y माइनस वाई वन 4√5/3 इसको टू कितना माइनस 1 अपॉन कितना dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx का वैल्यू कितना माइनस 8/3√5 इंटू एक्स माइनस एक्स वन हो गया, थी माइनस माइनस कट जाए बट्टा पलट के ऊपर, यहाँ 3 एलसीएम ले लोगे तो 3y माइनस 4√5, यहाँ देखो ऊपर जाएगा तो 3√5/8 कितना 8 और x माइनस 2, ठीक है। 8 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 24y माइनस 8 × 32√5, इधर करोगे कितना हो जाएगा 9√5 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ लिख दे एकदम थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो ये वाला टर्म तो अपनी जगह ठीक है, 24y माइनस 32√5 इसको टू कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 9√5x, तो 9√5x और माइनस कितना हो जाएगा इससे करोगे तो 18√5, तो 18√5, ठीक है ना, ये माइनस में है। यहाँ देखो 24y ठीक है, इसको इधर जाओगे तो -9√5x, 32 इधर जाएगा तो 32√5 और माइनस कितना 18√5, ठीक है ना। तो भाई 32 में से 18 को घटाओ
14, ये रहा हमारा 24 माइनस 9 रूट 5 एक्स इज इक्वल टू कितना 14 रूट अंडर 5, या तो इतना आंसर लिख दो या नहीं तो सब क्वेश्चन चढ़ लिया। तो 24 रूट वाई माइनस 9 रूट अंडर 5 एक्स माइनस 14 रूट 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा हमारा किसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये रहा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर x का पावर 4 माइनस 6 x क्यूब प्लस 13 x स्क्वायर माइनस 10 x प्लस 5 एट x बराबर 1। तो सबसे पहले बात हम क्या देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट होना जरूरी है, यानी x और y दोनों का वैल्यू होना जरूरी है। तब यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो हमें y का वैल्यू निकालना है, तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, पुट x बराबर कितना 1, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 का पावर 4 माइनस कितना 6 इंटू 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू कितना 1 और प्लस 5, ठीक है। y बराबर कितना 1 का पावर ऑफ 1, यहाँ पर 6 प्लस 13 माइनस 10 और प्लस 5 कितना होगा 5, एक 6, तो 6 और माइनस 6 और प्लस 13 माइनस 10, तो ये तो कट जाएगा 13 माइनस 3, यहाँ y का वैल्यू कितना निकला 3 निकला, तो हमारे पास पॉइंट कितना निकला 1,3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर से लिखेंगे डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, एक मिनट अल्लाह इतना होता है यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं मैनेज हो जाएगा, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आ जाओ dy अपॉन dx, x का पावर 4 तो 4x क्यूब माइनस 6, x का पावर क्यूब है तो इसको क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 13, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x माइनस 10 इंटू x है, x का कितना हो जाएगा 1 और प्लस 5 कांस्टेंट है तो 0, कुछ नहीं किया यहाँ पर डिफरेंशिएशन किए हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ देखो dy अपॉन dx अपनी जगह बिल्कुल सही है, ये 4x क्यूब माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 16x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 26x माइनस 10। अब एट कौन सा पॉइंट पे 1,3, मतलब x के जगह पर 1 y के जगह पर 3, तो y तो नहीं है सिर्फ x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो dy अपॉन dx इधर लिखेंगे 1,3, तो यहाँ पर 4 तो ठीक है x के जगह पर 1, 8 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10, यहाँ कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 4 इंटू 1 कितना 1 सॉरी 4, यहाँ कितना होगा बोलो 26, अचार कितना हो गया 30, मतलब ये हो गया 30, 18 माइनस 10 कितना 28, यानी ये कितना निकला हमारे पास dy अपॉन dx 2 निकला, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बोलो टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx, I इंटू कितना होता है x माइनस x1 होता है जी एकदम, तो ये क्या रहा हमारा जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा कितना x1, जो ये है कितना हमारा y1, तो x1 के जगह पर 1, y के जगह पर 3, तो y माइनस y1 यानी 3, dy अपॉन dx कितना निकला 2 निकला, तो यहाँ 2, x माइनस x1 कितना है हमारे पास 1, सॉल्व कीजिए इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दो, सबको उठा करके इधर ले आओगे तो माइनस 2x प्लस y और इधर से कितना हो जाएगा माइनस 3 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2x प्लस y यहाँ घटाओगे तो माइनस 1, माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या रहा 2x माइनस y प्लस 1 बराबर 0, एक आंसर हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसके लिए क्या फॉर्मूला y माइनस y1 अपॉन माइनस 1 बटा कितना dy अपॉन dx इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब y माइनस y1 कितना हो गया 3, x1 कितना हो गया 1, तो यहां लिखेंगे इसको बंद करो y माइनस y1, y1 हो गया कितना 3, dy अपॉन dx कितना निकाले 2, यहां देखो 2, तो यहां पर 2, x1 कितना है 1, तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करो इधर से तो 2y माइनस 6, यहां माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस x प्लस 1, सबको उठा करके इधर ले आओगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो माइनस एक्स इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस एक्स,
यहाँ प्लस टू वाई माइनस सिक्स, प्लस वन को इधर लाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा, तो ये रहा एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो। एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट, ये क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। आज से क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ अगर पढ़ाई समझ में आ रहा है, आपका डाउट क्लियर हो रहा है ना, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और एक चीज़ और, आप किस जगह से देख रहे हैं ना, एक बार कमेंट्स में जरूर करें कि हम इस जगह से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे कहाँ कहाँ सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।